वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यूजीसी नेट एग्जाम फर्स्ट पेपर के लिए करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक जिससे संबंधित कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको समझना है कि कोई प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे एयर पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस के बारे में बात करूँगा जिसे अभी हाल ही कुछ दिनों पहले बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिवाइस का नाम है वायु, WAYU। आपको समझना है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे किसने बनाया है और यह किस तरह से कार्य करती है। यहाँ देखते हैं, इस डिवाइस का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान व तकनीक तथा पृथ्वी विज्ञान व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपको यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम याद रखना है और किस मंत्रालय ने किया है ऐसा भी नाम याद रखना है। अब देखते हैं जो WAYU है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। आप अच्छे से इसका फुल फॉर्म भी याद रखें। और इसको CSIR नीरी ने विकसित किया है। यह डिवाइस 500 वर्ग मीटर के दायरे में हवा को शुद्ध करती है। अब आगे समझते हैं कि यह कार्य कैसे करती है। यहाँ देखिए, यह डिवाइस पार्टिकुलेट मैटर, जिसको शॉर्ट में PM कहते हैं, उनको ये फिल्टर करती है और हानिकारक गैसों को एक्टिवेटेड चारकोल व UV लैंप की सहायता से शुद्ध करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आया है एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल एक्टिवेटेड कार्बन को ही कहते हैं। यह कार्बन का प्रोसेस्ड फॉर्म होता है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं और इन छिद्रों का कार्य होता है जो केमिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना है। आप जानते हैं जब हवा की क्वालिटी ख़राब हो जाती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं जो अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, तो उन सभी को ये एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब करता है। और आपको मालूम होगा जो यूवी लैंप होते हैं, यूवी लैंप क्या करते हैं, यूवी लैंप एयरबॉर्न जो कीटाणु होते हैं यानी हवा में उत्पन्न जो कीटाणु होते हैं उनको ये मारती है। तो ये जो डिवाइस है एक्टिवेटेड चारकोल और यूवी लैंप की सहायता से हवा को शुद्ध करती है। एक्टिवेटेड चारकोल से केमिकल्स एब्जॉर्प्शन होते हैं और यूवी लैंप से जो कीटाणु होते हैं उनको मारा जाता है और हवा शुद्ध हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने जो ये एक इमेज प्रेजेंट की है चारकोल मास्क। आजकल कुछ ऐसे फेस पैक भी आते हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी स्किन का अच्छे से केयर करते हैं और कहा जाता है कि ये फेस पैक आपके जो स्किन है उसको केमिकल रिएक्शन से बचाते हैं, तो इसीलिए इसमें भी चारकोल का ही यूज किया जाता है। और इसके बाद देखें, जैसे बोला था कि ये 2 UV लैंप और 0.5 किलोग्राम एक्टिवेटेड चारकोल इसमें लगाया गया है, तो मैं आपको बता चुका हूँ यूवी लैंप और एक्टिवेटेड चारकोल का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो ये वायु डिवाइस है इसका फुल फॉर्म क्या है, आप इसको याद रखें, और इसे CSIR नीरी ने विकसित किया है इसको भी याद रखें, और साथ ही साथ याद रखें कि इसमें ये जो चीज़ें हैं एक्टिवेटेड चारकोल और यूवी लैंप को लगाया गया है और कुछ फैन भी लगाए गए हैं। तो अगर आप इसे इस तरह से याद रखेंगे, अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित ही आप इसे सही कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही और भी वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।